नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक माय चैनल लेटेस्ट न्यूज़। तो लेटेस्ट न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। जितने भी छात्र हैं BTUP के, जिन छात्रों को बैग लगा है, तो आज मैं उन सभी छात्रों के लिए एक रामबाल ट्रिक लेके आया हूँ। गाइस, मैं आपको बता दूँ, ये वीडियो देखने के बाद आप अगर इस चीज़ का फॉलो करते हो आप, तो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगा। आपके जो भी इशू हैं, आपके कितने भी नंबर से बैग लगे हैं, आपका क्लियर हो जाएगा। तो आज मैं आप सबको इस वीडियो में सब कुछ डिटेल से बताने वाला हूँ। बस आप सबको कंटिन्यू वीडियो में बने रहना है, ताकि मैं आप सबको प्रॉपर गाइड कर सकूँ। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो मैं आपको सीधा स्क्रीन पे लेके चलूँगा। तो फर्स्टली गाइस, मैं आपको बता दूँ, अगर मान लीजिए आपके एक से लेके 10 नंबर तक बैक लगे हैं, ओके, 10 नंबर तक आपके एक सब्जेक्ट में बैक लगे हैं, तो उसका सबसे फर्स्ट वाला रीज़न क्या आता है, सबसे पहला वाला रीज़न क्या आता है, आपको स्कूटनी का फॉर्म भरना है, आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है। उसका मात्र आपको 500 रुपये लगते हैं, अगर आपके 1 से 10 नंबर तक अगर आपके बैग लगे हैं, आप स्कूटनी का फॉर्म भरते हो, तो 500 रुपये उसका देना पड़ेगा। एंड देने के बाद आपका जब भी कॉपी चेक होगा, एग्जामिनर को भी पता रहेगा कि बच्चे का अगर एक नंबर से लगा है बैग, तो डेफिनेटली आपका क्रॉस कर दिया जाएगा। आपको इसका फॉर्म भरना ही है। अगर आप रीचेकिंग का फॉर्म भर देते हो स्कूटनी का, तो आपका जो भी बैग रहेगा 1 से 10 नंबर तक क्लियर हो जाएगा। क्योंकि एग्जामिनर के माइंड में ऐसा आता है कि बच्चे ने शायद, उसको भी लग रहा होगा, पढ़ा होगा, तभी ऐसा काम कर रहे ये लोग। तो आपको बैग सबसे पहले आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है। रीचेकिंग का फॉर्म कब आएगा, मैं आपको बता दूं, रीचेकिंग का फॉर्म जब भी आएगा आपको अभी जैसे भी आएगा, अभी तो इसका कोई अपडेट नहीं आ रहा है BTUP की तरफ से, आपका जब भी चांसेज है कि इस मंथ के लास्ट में आपका रीचेकिंग का या आपका स्कूटनी का फॉर्म आएगा। तो आपका जैसे ही फॉर्म आएगा, मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। अगर आप लोग चैनल पे नए हो, तो मैं आपको बता दूं, टेलीग्राम का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आप ज्वाइन हो जाइए। वहाँ पे आपको कोई भी इसके रिलेटेड, आपको जिन छात्रों को बैग लगा है, मैं उनको मैं पर्सनली बता रहा हूँ, तो उनको क्या करना है कि उनको टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना है। वहाँ पे मैं कोई भी बैग के रिलेटेड कोई भी आएंगे, मतलब रीचेकिंग का, स्कूटनी का, तो मैं आपको सलाह दूंगा, कुछ मैं गाइड करूँगा प्रॉपर आपका रिजल्ट देख के, कि आपको रीचेकिंग का फॉर्म भर देना है। आपका रीचेकिंग कम्प्लीट, मतलब आपका जो भी बैग लगा है 1 से लेकर 10 नंबर तक, आपका क्लियर हो सकता है। फाइनली मैं गाइड चीज़ आपको कंप्लीट बता दूं, अगली ईयर्स क्या हुआ था, अगली ईयर्स हुआ था कि जो 5-10 फ्रेंड मेरे थे जिनको बैग लगा था, एक छात्र को लगा था 12 नंबर से बैग लगा था, एक को 8 नंबर से बैग लगा था, ओके, एक छात्र को 8 नंबर से बैग लगा था। तो उन लोगों को मैंने बोला कि भाई लोग, आप ऐसा करो कि आप लोग जाओ रीचेकिंग का सबसे पहले आप फॉर्म भर लो। तो रीचेकिंग का फॉर्म उनको मैंने जब भरने के लिए आइडिया दिया, तो उसके बाद उन्होंने फॉर्म भरा भी। देन जब उन्होंने फॉर्म भरा, तो जब भी उनका रिजल्ट रीचेकिंग का आया था, उसके बाद उनका जितने भी बैग्स लगे थे सब कुछ क्लियर हो गए थे। अभी हाल ही में रिजल्ट भी आया है, आप लोगों को पता है ना। अभी आपको मैं चीज़ कंप्लीट बता दूँ, 8 400 400 400, जी हाँ, याद कर लीजिए व्हाट्सएप नंबर। क्योंकि अब आपका मैथ का सवाल हो, या फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, या किसी भी प्रकार का डाउट हो, या किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, आपको तुरंत मिलेंगे वीडियो सोल्यूशन आपके व्हाट्सएप पे। बस आपको 8 400 400 400 नंबर सेव करने हैं। सेव करने के बाद चैट ओपन करना है। चैट ओपन करने के बाद आपको क्वेश्चन का फोटो खींचना है, खींचने के बाद क्रॉप करना है। मात्र 5 सेकेंड में मिलेंगे आपके क्वेश्चन के आंसर, चाहे आप CIS 12 ITJEE मेंस एडवांस नीट CBSE वो स्टेट बोर्ड अदर स्टेट बोर्ड किसी भी बोर्ड के हो, तो देरी किस बात की, 8 400 400 400 पे तुरंत मैसेज करो और अपने डाउट को आउट करो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। कि जो हाल ही में स्कूटनी का और जो रीचेकिंग का रिजल्ट आया था, उसमें जितने भी 100%, मैं एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको बता दूं कि जितने भी छात्र थे वहाँ पे, कि यहाँ पे एक, मतलब 100% मान लीजिए, 100% में से 80% ऐसे बच्चे थे जिनको पास किया गया था। अभी हाल ही में जो स्कूटनी या रीचेकिंग का रिजल्ट आया था, अभी आपको मैं बता दूँ, 4-5 दिन 10 दिन हुए रहेंगे इसके लिए, आपको भी पता भी होगा कि मैंने इस पर वीडियो भी अपलोड किया था कि रीचेकिंग का, स्कूटनी का रिजल्ट आ गया है। तो उसमें क्या है, 80% बच्चे पास हुए थे। तो 80% बच्चे पास हुए, तो आपको भी उम्मीदें हैं, अगर आपको 1 से 12 तक आपके बैग्स लगे हैं, तो आपका क्लियर हो जाएगा। एंड गाइस, एक चीज़ मैं आपको बता दूं, जो मैंने सुबह वाले वीडियो में आपको ये चीज़ बता नहीं पाया था, तो मैं अब बताता हूं। जैसे कि क्या हुआ था कि जो आपका फाइनल ईयर का रिजल्ट आया था, तो जिन छात्रों को पहले से बैक लगे थे, जिन्होंने कोई रीचेकिंग का फॉर्म नहीं भरा था, ना ही स्कूटनी का फॉर्म भरा था, तो गाइस उनको क्या हुआ था, उनका जब रिजल्ट आया, तो उनका बैक उसमें क्लियर कर दिया गया था। तो ऐसे आप लोग के भी साथ हो सकता है, इसके चांसेस 80% हैं। क्योंकि जब ऐसे बहुत से बच्चों के साथ हो रहा है, तो आपका रिजल्ट अगर आपका रिजल्ट अपडेट नहीं होगा, तो जब नेक्स्ट सेम में आप एग्ज़ाम देंगे,
देंगे तो उसका जब रिजल्ट आएगा उसके साथ में आपका भी रिजल्ट क्लियर किया जा सकता है, बैक को ग्रेस मार्क देके आपको पास किया जा सकता है। ऐसा हाल ही में हुआ है, आप लोग ने इसके बारे में जाना भी होगा, देखा भी होगा। ओके, तो आप लोग ने इतना जान लिया है। तो गाइस मैं आप सबको बस इतना बोलूँगा कि आप लोग इस चीज़ का फॉलो करो, जो भी बैग्स लगे हैं आपके जितने छात्रों को, रीचेकिंग का आप रीचेकिंग का फॉर्म भरना। जैसे रीचेकिंग का फॉर्म आएगा मैं आप सबको अपडेट करा दूंगा। सबसे बड़ा ट्रिक यही है कि आपको रीचेकिंग का फॉर्म भरना है तो वहां से आपके बैग्स 1 से 12 नंबर तक होंगे तो वहां पे क्लियर हो जाएंगे। अगर अभी भी आपको दिमाग में कोई इशू है, इससे कोई दिक्कत है या परेशानी आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बोलना, मैं वहाँ पर आपको नेक्स्ट वीडियो में पूरा इस पर प्रॉपर गाइड करूँगा ताकि आप सबको बेसिकली सब कुछ समझ में आ सके। तो थैंक यू, बाय, टेक केयर, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। चैनल पर हो चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस कर लो ताकि इसके रिलेटेड कोई और छोटी बड़ी अपडेट आवे तो मैं आप सबको अपडेट करा सकूं। तो जय हिंद, टेक केयर, बाय, फिर से मिलेंगे अगले वीडियो में। बाय दोस्तों, ओके बाय, ओके।